तो हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रेवेंजर्स का सीज़न 1 का एपिसोड 2। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि नाओटो यहाँ ताकेमिची को टोक्यो मांजी गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन याद दिला रहा होता है। उसे सब बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग में कौन कौन कैसे कैसे मेम्बर्स हैं, और वो बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी आपको आपके दिमाग में डालने की ज़रूरत है। नाओटो से बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग की इन्फॉर्मेशन के लिए उसके साथी ने उसकी जान जोखिम में डाल दी और वो मर गया, क्योंकि वो टोक्यो मांजी गैंग के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा था नाओटो का जासूस बन के, और जब उन्हें उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया। उसकी एक आंख की जगह उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डर मिला जिसमें पूरा खून खून का रिकॉर्ड किया हुआ था। वो उसे बताता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए नाओटो ने बहुत रिक्वेस्ट करी, और फाइनली 6 महीने के बाद उसे इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया गया कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो ताकेमिची को बताता है कि हम अपने मर्जी से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम यहाँ से सिर्फ 12 साल पहले ही जा सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो हम उस फेस्टिवल में जाकर हिनाटा को बचा सकते हैं। वो कहता है कि आपको 12 साल पहले आपके मिडिल स्कूल लाइफ में जाना होगा, और आपको वहाँ जाके टोक्यो मांजी गैंग के 2 लीडर्स में से किसी एक से मिलना होगा, या तो सानो मांजीरो या किसाकी टेट्टा। वो बताता है कि सानो मांजीरो और किसाकी टेट्टा अगर मिले नहीं होते तो आज टोक्यो मांजी गैंग इतनी मजबूत नहीं होती और यह हादसा नहीं होता। ताकेमिची कहता है वो सब तो मैं समझ गया, पर मैं टाइम में वापस कैसे जा सकता हूँ? तो नाओटो कहता है कि आपने मुझे बताया था, जब आपने मुझसे हाथ मिलाया था तो आप वापस आ गए थे, शायद ये एक ट्रिगर है, शायद हमारे हाथ मिलाने से ही आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। नाओटो कहता है आपको 12 साल पहले अगस्त में जाना पड़ेगा, और किसाकी या सानो मांजीरो में से किसी एक के साथ रहना होगा, और इन दोनों को मिलने से आपको रोकना होगा। और जब ताकेमिची और नाओटो हाथ मिलाते हैं तो हम देखते हैं ताकेमिची वापस समय में पहले आ गया, 12 साल पहले। जब वो टाइम में पहले आता है तो वो अपने आप को किसी मैदान में पाता है, और वो कहता है नाओटो का आ गया। जब वो देखता है तो उसके आसपास लोग भरे होते हैं और वो एक फाइटिंग के जोन में होता है। वो बहुत कन्फ्यूज होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और जब वो अपने फ़ोन में डेट देखता है तो वो 12 साल पहले आ जाता है। वो समझ जाता है कि नाओटो सही कह रहा था, वो सच में एक टाइम ट्रैवलर है। पर जब वो ये सोचते हुए पीछे हटता है तो उसे पीछे से आके उसका अपोनेंट एक ज़ोर से घूंसा मारता है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई बंदा पैसे गिन रहा होता है, और उसे बताते हैं कि तेरी वजह से हम पैसे हार गए क्योंकि तू ये मैच हार गया। तो जब ताकेमिची उसे देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है तो 3rd ईयर मिडिल स्कूल का गुंडा है, इसका नाम कियोमिशी मासाताका है और उसका निकनेम है कियोमासा। वो कहता है कि इसकी वजह से हम मैच हारे हैं, इसकी वजह से हम पैसे हारे हैं, तो इस चूज़े को अच्छा सा सबक चखाओ। और यहाँ ये लोग ताकेमिची को मारने लगते हैं। ताकेमिची यही सोचता है कि जिनको हम जानते नहीं उनसे लड़ना और उनसे हार जाना तो हम ही पिटते थे। तो यहाँ वो सोचता है कि ये एक नर्क के अलावा कुछ नहीं है। और जब उसे होश आता है वो देखता है ये लोग उसे वार्न करके जाते हैं, और जब वो कियोमासा से कहता है कि तुम टोक्यो मांजी गैंग से हो ना, क्या तुम मुझे उनके किसी एक लीडर से मिलवा सकते हो, या तो सानो मांजीरो या किसाकी टेट्टा से मिलवा दो। ये चीज़ सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इन दोनों का ही नाम सुन के भाई इसे तो बहुत ही बुरा गुस्सा आ रहा होता है, यार पता नहीं जैसे उन्होंने इसका क्या ही कर दिया। और वो यहाँ कहता है कि मेरा बैट लेकर आओ, और वो यहाँ ताकेमिची को बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो ताकेमिची को गुस्से में देखकर ये बोल रहा है कि अगली बार सानो कुन का नाम तेरे मुंह पर आया तो मैं तुझे मार दूंगा। भाई यार ये तो बहुत ही गुस्से में लगता है यार। और पिटने के बाद वो यहाँ से रोता हुआ घर जाता है नाओटो से मिलने, और वो कहता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, वो टोक्यो मांजी गैंग के हेड से भी नहीं मिल सकता। और वो यहाँ हार ही मान रहा होता है। वो कहता है कि उसे वापस घर जाना है, ये उसके बस की बात नहीं है। ताकेमिची जब नाओटो के घर आता है तो वो देखता है कि नाओटो है नहीं, ना तो यहाँ पर हिनाटा है। और जब हिनाटा यहाँ पर आती है तो ताकेमिची कहता है कि तुम यहाँ कैसे, तो हिनाटा कहती है क्योंकि ये मेरा घर है। हिनाटा उसे देख के कहती है कि तुम फिर लड़ाई कर कर आए हो, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस बार पहले से ज़्यादा मार खा कर आए हो। और वो यही कहती है कि अगर मैं लड़का होती तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे पिटने नहीं देती और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। ताकेमिची कहता है तो इस मामले में मैं भी तुम्हें बचाऊंगा हिना। और हिना नाम सुन के हिनाटा यहाँ ब्लश करने लगती है, और ताकेमिची भी।
ताकेमी जी कहता है सॉरी मैं बस फ्लो में बह गया था। तो हिनाता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हिना बुलाओ। ओ यार ऐसी गर्लफ्रेंड अगर मुझे मिल जाए तो भाई मैं तो खुश हो जाऊँगा यार। वो ताकेमी जी को कहती है कि चलो अब बहुत रात हो गई, बाय बाय हम कल मिलते हैं, और ताकेमी जी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं और अपकुन ताकेमी जी को कहता है क्या तुम्हारे पास वक्त है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि आज फिर फाइटिंग क्लब में फ़ाइट होगी और हमारा आज का फाइटर ताकुया है। और ये चीज़ सुन के सारे हैरान हो जाते हैं यहाँ पे कि आज का फाइटर ताकुया होएगा। अपकुन कहता है कि अगर मैं ताकुया की जगह ले सकता तो ताकुया की जगह मैं लड़ता, क्योंकि ताकुया शुरू से ही लड़ाई में कमज़ोर है और वो यहाँ नहीं लड़ सकता। यहाँ ताकुया ताकेमिची को कहता है कि ताकेमिची तुम टेंशन ना लो, मैं कल तुम्हारी लड़ाई का बदला ज़रूर लूँगा। और यहाँ पर ये सारे लोग ताकुया को चेयर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम ही जीतोगे ताकुया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमीने फिर से फाइटिंग क्लब स्टार्ट करते हैं और ये कहता है कि हमारी तरफ एक तरफ है कोजिमा साकुरा और दूसरी तरफ है हमारे पास ताकुया। यहाँ इन लोगों को देखकर साफ ही दिखता है कि यार ये लोग फाइटिंग के लिए कितने बेताब हैं। मतलब भाई ये लोग यहाँ पैसे लगाते हैं और जो फाइटर हारता है ये बाद में उसे मारते भी कि वो क्यों हारा। इधर ताकेमिची देखता है कि ताकुया काफ़ी नर्वस लग रहा है क्योंकि भाई वो शुरू से ही लड़ाई में कमज़ोर है। और यहाँ कियोमासा कह देता है कि फ़ाइट शुरू करो और यहाँ पब्लिक में हल्ला मच जाता है। तभी ताकेमिची कहता है कि ये सब रोको अभी के अभी, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये किसने कहा, इतनी हिम्मत किसकी हो गई जिसने यहाँ पर ये फ़ाइट रुकवा दी। और सब लोग यहाँ देखते हैं कि और कोई नहीं अपना ताकेमिची होता है। यहाँ ताकेमिची कहता है कि तुम लोग एक ही लड़ाई बार बार देखकर बोर नहीं हो गए हो क्या, तुम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखना नहीं चाहते, रोज़ एक ही लड़ाई बार बार, तो क्यों ना हम इसे कुछ मज़ेदार बनाए। और वो नीचे आकर कहता है कि कियोमासा सेनपाई मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ोगे। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर भाई सारे ही हैरान हो जाते हैं। भाई क्यों ना हैरान हो, उसने सीधा एक थर्ड ईयर के गुंडे को चैलेंज कर दिया। और यहाँ सब हैरान हो जाते हैं कि ताकेमिची कियोमासा से लड़ भी पाएगा या नहीं। और यह एपिसोड ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। और यार देखो यहाँ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन, और मैं रात के 2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक आप लोग भी करना कि आप वीडियो को लाइक करके कॉमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।